आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ट्रीट्स फॉर यू में। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ्ड आलू मसाला, जो बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ हमें 8 से 9 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं। इनको एक विसल लगा के उबाल लिया था। अब इसकी स्किन निकाल लेंगे। यहाँ हमने सारों की स्किन निकाल ली है। अब इन एक एक आलूओं को दो दो हिस्सों में काट देंगे और अलग अलग रखते जाएंगे। अब हमने दो दो हिस्सों में काट दिया है। अब इनका जो बीच का पोर्शन है वो हम निकाल लेंगे, ताकि जो हमारी स्टफिंग है उसमें हम भर सकें। इस तरह से नाइफ के हेल्प से धीरे धीरे बीच का पोर्शन निकाल लेंगे। ये हमारा बीज का पोर्शन निकल चुका है। इस तरह से हम सारे आलूओं के बीज के पोर्शन निकाल लेंगे और जिनका जो भाग है वही आपस में मिला के रखेंगे। अब हम यहाँ स्टफिंग करेंगे। हमने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम फीका मावा। आप चाहे तो पनीर भी ले सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी। यहाँ हमने लिया है 2 बड़े चम्मच काजू का पाउडर। 1 चम्मच हम अभी खोया में डाल देंगे और 1 चम्मच हम ग्रेवी में डालेंगे। इसे टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब इनके छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। जितने हमारे आलू हैं उतने बॉल रेडी कर लेंगे। इतने साइज के बॉल्स, ये हमारे बॉल्स रेडी हो गए हैं। जो हमारा मावा बच गया है उसे हम ग्रेवी में डाल देंगे। अब हम आलूओं को ले लेंगे, एक एक आलू का पेयर जो था वो ले लेंगे और ये बॉल्स उसमें फिक्स कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा अगर साइड से निकल भी रहा है तो उसे निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल लेंगे। बाकी सारे आलूओं में भी मावे की स्टफिंग हम भर लेंगे। यहाँ हमने रेडी करके रखा है 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और 3 बड़े चम्मच पानी। एक थिक पेस्ट बना लिया है। अब इसमें हम आलू को डिप करेंगे। इस तरह से एक एक आलू लेंगे और अच्छे से इनके ऊपर ये पेस्ट फैला लेंगे। पूरे आलू में ये डिप होना चाहिए और एक फोक की मदद से इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही इसमें आलू डालेंगे तो हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, एक टाइम में हम 4 से 5 पीस ही डालेंगे, सारे एक टाइम नहीं डालने हैं। साइड चेंज करते हुए इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। बाकी सारी इस तरह से रेडी कर लेंगे। यहाँ हम ग्रेवी रेडी कर रहे हैं। उसी पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। 2 बड़े ऑनियन इसमें फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा इस तरह से, तो इन्हें एक जार में निकाल लेंगे। इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक और 4 बड़े टमाटर, 2 ग्रीन चिलीज और इनका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब एक दूसरी पैन लेंगे, उसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं। फ्लेम को हमने फास्ट पे रखा है। अब इसमें डाल देंगे काजू का पाउडर जो हमने पीस के रखा था, 1 बड़ा चम्मच। इसे अच्छे से चला लेंगे, 2 से 3 मिनट इन्हें चला लेंगे। ये देखिए, ये पेस्ट रेडी हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। फ्लेम को हमने लो पे ही रखा है ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जल ना जाए। ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे ग्रेवी जो हमने पीस के रखी थी, सारी डाल देंगे। थोड़ा सा चला लेंगे। अब हमारे मिक्सर के जार में थोड़ी सी ग्रेवी बच गई थी, हमने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी डाल दिया है इसमें। अब हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। अब हम इन्हें पका लेंगे फास्ट आंच पे, तक जब तक हमारा तेल नहीं छूट जाए, क्योंकि हमने टमाटर कच्चा डाला था। ये देखिए, तेल छूटने लगा है।
हमारा टमाटर पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा खोया मावा जो बच गया था, वो भी थोड़ा सा भून लेंगे इस तरह से। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच दही के। जब हम दही डालेंगे तो फ्लेम को ध्यान कीजिए, बहुत स्लो पे रख दीजिए ताकि हमारी दही जो है वो फट ना जाए। इस तरह से आराम से घुमाते घुमाते जाइए। ये हमारी दही भी मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी ग्रेवी के अंदर से। एक उबाल आ जाएगा तो इसमें आलू डाल देंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में थोड़ी सी मेहनत लगती है, पर अपने घर वालों के लिए हम इतना तो कर सकते हैं। सब लोग अच्छे से इंजॉय करेंगे ये रेसिपी को आप अगर बनाएंगे तो। ये लीजिए हमारी जो ग्रेवी है और आलू है एकदम रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे और इसे 10 मिनट तक स्लो आंच पे ढक के रख देंगे ताकि जो हमारे आलू हैं और ग्रेवी आपस में मिक्स हो जाएं। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी स्टफ्ड आलू एकदम रेडी हो गए हैं। इसे हम सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी रेसिपीज अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। एंड एंजॉय द रेसिपी।